सो हेलो फ्रेंड्स, मैं मकास और आप देख रहे हैं योर फ्यू। तो यहाँ पर दोस्तों ओप्पो F7 और ओप्पो F7 128G के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट किया जा रहा है, जिसका वर्जन नेम है दोस्तों F.19। इससे पहले F.17 आया था, और जो कि दोस्तों F.17 में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा यूनिक फीचर्स ऐड किए गए थे। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, और उसके साथ साथ दोस्तों कुछ फीचर्स को रिमूव किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों F.19 का जो अपडेट है वो हालांकि प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अभी काफ़ी सारे यूज़र को प्रोवाइड कर दिया गया है, और कुछ यूज़र अभी बचे हुए हैं। तो उनको कब मिलेगा, कैसे लेना है, मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर ये जो अपडेट आया F.19, तो इस अपडेट में आपको किस तरह के फीचर्स मिल जाते हैं, कौन कौन से बग्स को फिक्स किया गया है, और उसके साथ साथ दोस्तों कौन से मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ दोस्तों एक और बात, जो कि दोस्तों यहां पर कलोस 11 लॉन्च किया गया है। कलोस 11 इस डिवाइस के लिए जो कि ओप्पो F7 और ओप्पो F7 128G में मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, मैं वो भी इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट जो है F.19, इसका साइज देख लेते हैं, मतलब कि कितना बड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में 280 MB का ये अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये अपडेट दोस्तों काफ़ी सारे यूज़र को प्रोवाइड कर दिया गया है, और कुछ यूज़र बचे हुए हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है ये अपडेट, तो आप लोग वेट करो, मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट्स है वो बैच वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है, इस वजह से दोस्तों कुछ यूज़र को पहले मिल जा रहा है, कुछ यूज़र को बाद में मिल रहा है। लेकिन आप लोग वेट करो, आप लोगों को जल्द मिल जाएगा। अब यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपडेट लॉग में क्या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, और अपडेट लॉग के अलावा भी कोई फीचर प्रोवाइड किया गया है या फिर नहीं किया गया है, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपडेट लॉग को चेक कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों अबाउट दिस अपडेट में देख सकते हैं, अपडेट टू द न्यू वर्जन ऑफ कलोस, दिस वर्जन अप्लाई द सितंबर 2020 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू एनहांस द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर फोन सिस्टम। और उसके बाद दोस्तों अपडेट लॉग में देख लेते हैं। तो अपडेट लॉग में दोस्तों सिक्योरिटी में देख सकते हैं, एडेड द सितंबर 2020 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस टू एनहांस सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर दोस्तों इस अपडेट लॉग में आपको 280 MB का जो अपडेट आया है, इसमें आपको सितंबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, जो कि दोस्तों आपके डिवाइस को और भी ज़्यादा सिक्योर कर देगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, अपडेट लॉग में तो कुछ मेंशन है नहीं कि कोई न्यू फीचर को ऐड किया गया या फिर किसी तरह के बग को फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 280 MB का अपडेट आया है, इसमें कुछ फीचर को ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये कुछ बग्स थे, जैसे कि दोस्तों बैटरी प्रॉब्लम आता था आपके डिवाइस में ओप्पो F7 में F.17 अपडेट आने के बाद बैटरी प्रॉब्लम आ रहा था, तो बैटरी प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, मतलब कि दोस्तों आपका जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन नहीं होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों एक और बग आ रहा था, जो कि दोस्तों कैमरा से रिलेटेड है, कैमरा से रिलेटेड, जो कि दोस्तों अगर आप कैमरा को ओपन करते हो तो क्या होता था, वो थोड़ी देर बाद मतलब कि डिले करता था, तो वो बग को भी यहाँ पर इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा और भी कोई न्यू फीचर या फिर बग्स को फिक्स नहीं किया गया है, जो है यही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि कलोस 11 लॉन्च कर दिया गया है, और लॉन्च इवेंट में दोस्तों काफ़ी सारे डिवाइसेस को सिलेक्ट किया गया था कलोस 11 अपडेट प्रोवाइड करने के लिए, जो कि दोस्तों उस लिस्ट में ओप्पो F7 का नाम नहीं है। तो इस डिवाइस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस में कलोस 11 का अपडेट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ओप्पो कंपनी अपने डिवाइसेस में दो मेजर अपडेट प्रोवाइड करता है, जो कि दोस्तों जब ये डिवाइस लॉन्च किया गया था ओप्पो की तरफ से, तब यहाँ पर दोस्तों इसमें जो OS था वो है दोस्तों कलोस 5 था, और जो कि एंड्रॉयड वर्जन 8 था। तो यहाँ पर दोस्तों कलोस 5 के बाद 5.2 मिला, 6 मिला, 7 मिला। तो यहाँ पर दोस्तों आप बोलोगे कि 5 भी मिल गया, 5.2 के बाद भी मिला, फिर 6 भी मिला, तो वो मेजर अपडेट्स नहीं होते हैं। मेजर अपडेट यानी कि एंड्रॉयड 8 के बाद एंड्रॉयड 9 मिला, एंड्रॉयड 9 के बाद एंड्रॉयड 10 मिला। तो ये दो मेजर अपडेट आपको मिल चुका है आपके डिवाइसेस के लिए। तो इस वजह से दोस्तों ये जो कलोस 11 है वो एंड्रॉयड 11 बेस्ड है, तो इस वजह से इस डिवाइस को सिलेक्ट नहीं किया गया है, और इस डिवाइस में कलोस 11 का अपडेट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों कलर्स 11 तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मंथली मतलब जो सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट आते हैं, जो कि बॉक्स फिक्सिंग के अपडेट आते हैं, वो मिलते रहेंगे। तो यही कुछ था दोस्तों इसी अपडेट से रिलेटेड। आपको ये इन्फॉर्मेशन कितना ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाले वीडियो देख सके सबसे पहले।